संख्या में लोग यहाँ उपस्थित रहे, सीएम का जबरदस्त क्रेज देखने को मिला, किस तरीके का माहौल नजर आया? पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी लीड चल रही, साथ ही साथ सीटें जीत रहे हैं, और सबसे ज्यादा अगर जिस तरह से आज हमारे मुख्यमंत्री जितना जुलूस देव ने भारी मत से क्योंकि 10 महीनों के अंदर हमारी सरकार ने जिस तरह से जो इतिहास रचा, विशेषकर जो भागीरथ बन के जो आए हमारे पानी राजस्थान जैसी धरती पे जो सबसे ज्यादा मांग थी पानी का, राजस्थान में रेगिस्तान कहा जाता था, अगर विश्व कहीं भी जाए तो यहाँ रेगिस्तान कहते हैं या सारा राज्य रेगिस्तान कहते हैं, सबसे ज्यादा पानी की मतलब उस जगह पे अगर नदियों का पानी यहाँ पे इस धरती पे लेके आ रहे हैं, वो लेके जा रही है, यमुना का पानी आ रहा है, बाई का पानी गुजरात आ रहा है, इससे बड़ा योगदान क्या हो सकता है। इसके साथ साथ पानी बिजली, मैं बिजली की बात करूंगा, राजस्थान की नदी 5 साल के दौरान 1 भी मेगावाट बिजली का नया प्रोडक्शन चालू की थी, ये तो पुराने वालों का जरूर उन्होंने उद्घाटन किया। अगर आज जिस तरह से हमारे मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे बड़े बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए लगभग 20 लाख करोड़ का उपयोग करें, उसके लिए बिजली चाहिए, बिजली पे हमारी सरकार ने लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का उपयोग कर चुके हैं, और हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 5 साल में 32,000 मेगावाट एक्स्ट्रा, 20,000 मेगावाट जो अब तक जो प्रोडक्शन है उसके अलावा 32,000 मेगावाट बिजली पैदा करें, जैसे 52,000 मेगावाट आने वाले समय में बिजली सस्ती मिले, उद्योगों को पानी वगैरह मिले और हमारे बच्चों को रोजगार मिले, जनता इस चीज को समझ चुकी है और हमारी बच्चों से आसान पाए। तक अगर वास्तव में जितना पैसा केंद्र सरकार ने भेजा है, पिछली सरकार उसका सदुपयोग करती, प्लानिंग करती रही, क्यों झूठी घोषणाएं नहीं करती और मूर्त रूप लेती, तो आज राजस्थान जिस तरह से कर्ज के जाल में फंस गया, जितना कर्जा पिछले आजादी के बाद जितने सालों में हुआ उससे ज्यादा कर्जा अकेले 5 साल में राजस्थान की जनता पे बोझ बैठा, इतना कर्जा नहीं लेते हुए अगर कितना कर्जा लेने के बाद में अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते, नई यूनिटें लाते, रोजगार पैदा करते तो देखिए राजस्थान प्रगति करता, बाकी आज उस ओर हमारे मुख्यमंत्री जी राजस्थान को लेकर जा रहे हैं, आने वाले समय वास्तव में राजस्थान को प्रगति करेगा, यदि जनता को जो भी सुविधा है यहाँ पे जो भी विकास मिला रोजगार हर क्षेत्र में हमारी सरकार काम करेगी।